बंद करो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैन पुलिंग हो गया है। कहीं से सीसीटीवी कैमरा है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है अभी डायनेमिक। आज फिर मेरी जो जर्नी है वो दिल्ली टू बांद्रा ही है, क्योंकि इस ट्रेन में मेरी जो रेगुलर ड्यूटी होती है और जो मेरा डेजिनेशन है वो सुपरवाइज़र का, कभी कभी चेंज होता है। जो हमें ड्यूटी मिलती है अदर ट्रेन पे, तो हमें अदर ट्रेन पे जाना होता है, बट अभी तो ऐसा है कि हमें यही ट्रेन जाना होता है लेकर के। हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, चल चुकी है दिल्ली सराय रोहिल्ला से। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है दिल्ली कैंट, उसके बाद गुड़गांव, फिर रेवाड़ी, जयपुर, अजमेर, पालना, आबू रोड। रुक गया ये तो। इसमें कई बार चैन पुलिंग की जो वारदात है वो कई बार देखने को मिलती है, तो इस चीज़ की वारदात होती है तो हमें अलर्ट रहना होता है कि किस कोच से चैन पुलिंग हुई है। और जिस कोच से भी चैन पुलिंग होती है उस कोच में बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है, मतलब बहुत तेज़ प्रेशराइज आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। रेवाड़ी आ चुके हैं, रेवाड़ी जंक्शन। हमारी ट्रेन रेवाड़ी से निकल चुकी है और अब जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है अलवर। ओके गाइस, हम जयपुर पहुंच चुके हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है अजमेर। तो यहाँ के बाद हमें अपने डेली रूटीन के हिसाब से यहाँ के बाद जो पूरी ट्रेन में क्लीनिंग का टाइम होता है, इसके बाद जो यहाँ से लेके अजमेर तक पूरी गाड़ी में क्लीनिंग होता है। सभी डब्बों में पानी सप्लाई किया जाता है, तो दिल्ली से जब से ट्रेन चली है तो अगर पानी वानी ख़त्म हो होगा तो यहाँ पे पूरे टैंकी को फुल कर दिया जाता है। पहुँच चुके हैं जयपुर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ से जो टीटी सर है वो चेंज होते हैं और यहाँ से गार्ड भी चेंज होते हैं। तो अभी जो हमारे साथ जो भी टीटी सर हैं वो हमारे साथ अहमदाबाद तक चलेंगे। हमारी ट्रेन जयपुर से निकल चुकी है और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है अजमेर। मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, बरसात होने वाला है।
तो दोस्तों अभी हमारी जो ट्रेन है वो जयपुर से निकल चुकी है और जो भी हमारा क्लीनिंग का काम था वो कम्प्लीट हो चुका है, यानी कि अब हम अजमेर पहुंचने वाले हैं। तो अब अजमेर पहुंचने में अभी करीबन 30 मिनट और जो भी हमें फीडबैक लेने थे पैसेंजर से वो सारे कम्प्लीट हो चुके हैं। टीटी सर से भी फीडबैक करवाने थे वो भी कम्प्लीट हो चुके हैं और अब आने वाला है अजमेर। अजमेर से अभी आप देख सकते हैं ये कैबिन पूरा खाली है। तो अभी जो अजमेर आएगा तो वहाँ से लोग बैठेंगे। तो गाइज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ट्रेन में सफ़र करें तो अगर आप बॉटल या कुछ भी चीज़ यूज़ करते खाने के बाद तो जो बच जाता है उसको आप डस्टबिन में ही डालें, उसको इधर उधर ना फेंकें। अगर डस्टबिन का यूज़ करेंगे तो कोच में कचरा नहीं फैलेगा। हमारी ट्रेन में ऐसा है कि कोचेस हैं उसके अंदर हमारे नंबर दिए गए हैं, अगर किसी भी पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप भी कभी अगर इस ट्रेन में आइएगा तो कोच के दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिएगा यदि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैन पुलिंग हो गया है इस वाले कोच पे। यही है क्या सर? ये देखिए ये जो सामने आ रहा है यही है सर। गाइस ये देख सकते हैं कि अभी चैन पुलिंग हुई थी इसी कोच में था, इसी कोच में चैन पुलिंग हुई थी और ये जो बंदा था इसको हमने अभी ट्रेन के अंदर बुला लिया, इसको अजमेर तक लेके जाएंगे, शायद इसी ने चैन पुलिंग की है। गाइस ये चैन पुलिंग करना बहुत ही गलत है क्योंकि कई लोग कहीं पे उतरना हो तो चैन पुलिंग करके उतर जाते हैं। इसमें क्या होता है पूरी ट्रेन रुक जाती है फिर उसको रिलीज़ करना होता है, नहीं तो उससे पहले ट्रेन नहीं चलेगी। वो देख रहे हैं गार्ड सर जा रहे हैं अब और हमारी ट्रेन ने भी सिग्नल दे दिया और वहाँ से तो गाइस गार्ड सर बैठ गए और हमारी ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया। इसी कोच में थी चैन पुलिंग तो इसको रिलीज़ भी कर लिया गया, इसके बाद ये ट्रेन चल रही है। गाइस ये गलत है जो लोग ये चलती ट्रेन में जो चैन पुलिंग कर देते हैं। गाइस जैसा कि हम बात ही कर रहे थे आज मॉर्निंग में कि चैन पुलिंग की, तो अभी जस्ट हो भी गया था चैन पुलिंग तो उसको भी ठीक किया गया और उसके बाद दोबारा हमारी ट्रेन चली है। शायद उसी ने चैन पुलिंग की है क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ था तो उसको अभी हमने ट्रेन में बिठा लिया है और उसके बाद अभी हमारी ट्रेन चली है और अभी अजमेर आने वाला है, बस कुछ टाइम बाकी है। ये देखिए अजमेर में ट्रेन। अजमेर तो पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पे अभी मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं बाहर जाके आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे एग्ज़िट करते टाइम कोई भी कोविड-19 का जो टेस्ट किया हुआ या वैक्सीन लिया वो दिखाना पड़ता है कि नहीं। तो गाइस अभी यहाँ पे मेरी जो ट्रेन का चलने का टाइम हो चुका है तो मैं नेक्स्ट टाइम का भी वीडियो में ये चीज़ कवर करूँगा ज़रूर। ये डीजल इंजन है, पीछे वाला भी इलेक्ट्रिक इंजन है, चार इंजन एक साथ। अजमेर से भी निकल चुकी जो नेक्स्ट स्टॉप है वह है फालना। हम फालना पहुंच चुके हैं और यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजरों की बोर्डिंग थी
तो लगभग हमारी गाड़ी पूरी भर चुकी है यहाँ से। यहाँ पे 7 बजे का टाइम है, यहाँ पे 7:05 में गाड़ी चलती है। हम इसको कुछ कैमरे में देख रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी सर, चमचमाता बॉडी वाली पहुंच चुके थे और अभी जितने पैसेंजर थे यहाँ पे उतर चुके हैं। देखिए क्योंकि ऑलमोस्ट पैसेंजर यहाँ के भी होते हैं बॉडी वाली के। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है बांद्रा टर्मिनल। हम बांद्रा टर्मिनल पहुंच चुके हैं। जो है गाड़ी यहाँ से 4 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से चलेगी 12 बजे। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ। धन्यवाद।